विपक्षी गठबंधन ने अब तक एक ही काम किया है और वह काम देश के 14 न्यूज एंकर्स का बहिष्कार करने वाली लिस्ट जारी करना है। विपक्षी दलों को इन लोगों से खतरा महसूस हो रहा है। हद तो तब हो गई जब शराब घोटाला मामले में तिहाड़ की हवा खा रहे मनीष सिसोदिया भी मीडिया का रोना रोते हुए सुप्रीम कोर्ट में जमानत मांगने पहुंच गए। पत्नी की बीमारी का हवाला दिया और उसी के साथ वही पुराने घिसे पिटे तर्क दिए जो गिरफ्तारी के बाद से लेकर अब तक दिए गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की एक नहीं चली और सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत टाल दी। सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने शीर्ष अदालत से कहा कि उन्हें नियमित जमानत पर बहस के लिए 3 से 4 घंटे चाहिए। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हमारे खिलाफ बहुत सी खबरें छप रही हैं। एक तरफ दूसरी कोर्ट में मीडिया को लेकर गाइडलाइन बनाने की बात चल रही है, उसकी हम अदालत को एक लिस्ट सौंपेंगे। अदालत ने मनीष सिसोदिया के वकील सिंघवी से कहा कि हमारे पास समय नहीं है, हम ये खबरें नहीं पढ़ते हैं और हम इनसे प्रभावित नहीं होते हैं। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया ने दिल्ली शराब घोटाला केस में सीबीआई और ईडी दोनों के मामलों में नियमित जमानत की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट में पिछले महीने हुई सुनवाई के दौरान जमानत याचिकाओं पर सुनवाई को सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। सिसोदिया ने अपनी पत्नी के बीमार होने का हवाला देते हुए अदालत से जमानत मांगी है। दिल्ली शराब घोटाला मामले की जांच का जिम्मा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और प्रवर्तन निदेशालय दोनों केंद्रीय जांच एजेंसीज संभाल रही हैं। सिसोदिया के शराब घोटाला मामले में नाम आने के बाद से ही बीजेपी आम आदमी पार्टी को लगातार घेर रही है। इससे पहले 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया पर चल रहे केस में उनके जरिए मांगी गई जमानत पर सीबीआई और ईडी से जवाब मांगा था। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने कहा था कि सिसोदिया की पत्नी की मेडिकल रिपोर्ट को देखने के बाद मालूम पड़ता है कि वह स्थिर हैं, इसलिए सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिकाओं पर मामलों में नियमित जमानत याचिकाओं के साथ विचार किया जाएगा। इससे दोनों जांच एजेंसीज को याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने के लिए अधिक समय दिया जाएगा। दरअसल 30 मई को दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई के जरिए दर्ज किए गए मामलों में सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट का कहना था कि पूर्व डिप्टी सीएम और उत्पाद शुल्क मंत्री होने के नाते वह एक हाई प्रोफाइल आरोपी हैं, इस वजह से वे गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी जमानत याचिका में सिसोदिया ने दलील दी कि इस बात के कोई दस्तावेजी सबूत, यहां तक कि आरोपी भी नहीं है, कि किसी ने उन्हें रिश्वत दी है। सिसोदिया का कहना है कि उनके जरिए रिश्वत मांगे जाने को साबित करने वाला कोई दस्तावेज भी मौजूद नहीं है। इसके अलावा घर पर की गई छापेमारी और तलाशी अभियान के दौरान भी कुछ ऐसा नहीं मिला जो उन्हें आरोपी बनाता है। सिसोदिया के शराब घोटाला के नाम आने के बाद से ही बीजेपी आम आदमी पार्टी को लगातार घेर रही है। इससे पहले 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया पर चल रहे केस में उनके जरिए मांगी गई जमानत पर सीबीआई और ईडी से जवाब मांगा था। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने कहा था कि सिसोदिया की पत्नी की मेडिकल रिपोर्ट को देखने के बाद मालूम पड़ता है कि वह स्थिर हैं, इसलिए सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिकाओं पर मामलों में नियमित जमानत याचिकाओं के साथ विचार किया जाएगा। इससे दोनों जांच एजेंसीज को याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने के लिए अधिक समय दिया जाएगा। दरअसल 30 मई को दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई के जरिए दर्ज किए गए मामलों में सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था। हाई कोर्ट का कहना था कि पूर्व डिप्टी सीएम और उत्पाद शुल्क मंत्री होने के नाते वह एक हाई प्रोफाइल आरोपी हैं और इसी वजह से वे गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। विपक्षी गठबंधन ने लगभग तय कर लिया है कि वह जातीय जनगणना को अपने घोषणा पत्र में शामिल करेगी, लेकिन इसके लिए ममता बनर्जी तैयार नहीं है। जातीय जनगणना की बात पहले से ही चल रही थी, लेकिन अंत में फैसला कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में लिया गया जिसमें टीएमसी की तरफ से कोई नेता मौजूद नहीं था। ममता बनर्जी इस बात से भी नाराज हैं कि टीएमसी की अनुपस्थिति में ये फैसला लिया गया, जबकि वे इस पर पहले से ही एतराज जता चुकी थीं। ममता बनर्जी की नाराजगी को दूर करने के लिए अब गठबंधन के बड़े नेता उनसे बात करेंगे। नीतीश कुमार और लालू यादव ने गठबंधन की समन्वय समिति की पहली बैठक में आगे किया था, इस वजह से संभव है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव इस बारे में ममता को पूरी स्थिति से अवगत करवाएंगे। जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी का कहना है कि पश्चिम बंगाल की सामाजिक संरचना इस तरह की है, वहां तृणमूल हो या फिर सीपीएम, सभी दल के उच्च पदों पर अगड़ी जाति के लोग लंबी अवधि से रहे हैं। ऐसे में जाति आधारित जनगणना से तृणमूल को हिचक हो रही होगी, लेकिन ये मामला राज्य का नहीं है, गठबंधन इसे अपने एजेंडे के रूप में ले रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि दिग्गजों से बातचीत के बाद ममता इस मुद्दे का विरोध नहीं करेंगी, डीएमके भी इसके लिए तैयार है। ओडिशा की स्थिति यह है कि वहां 85% आबादी अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों की है। जदयू का कहना है कि आईएनडीआईए में
इस मुद्दे पर सर्वानुमति की स्थिति है। वहीं एनडीए के घटक दल तो शुरू से ही इस मुद्दे के समर्थन में रहे हैं। रामविलास पासवान खुलकर इसके पक्ष में बोलते थे, लोजपा के दोनों दल इसके पक्ष में हैं। जीतन राम मांझी इसके समर्थन में हैं। उत्तर प्रदेश और झारखंड सहित महाराष्ट्र में अजीत पवार जाति आधारित गढ़ना के पक्ष में बोल रहे हैं। जाति आधारित गढ़ना को मुद्दा तय करने के बाद विपक्ष अब इस मामले पर भाजपा को तीव्रता के साथ अपने निशाने पर रखेगा। अभी तक जदयू और राजद द्वारा ही ये कहा जा रहा था कि केंद्र की सरकार जाति आधारित गढ़ना के खिलाफ है। ये हमला उस समय और तेज हो गया जब अटॉर्नी जनरल ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले में हस्तक्षेप कर कोर्ट में अपनी बात कही। जदयू ने तो इस कृत्य पर भाजपा के खिलाफ पोल खोल अभियान तक चलाया। राजद ने कहा कि केंद्र का असली चेहरा सामने आ गया है। जाति आधारित गढ़ना को रुकवाने का काम ज्वालामुखी के विस्फोट को प्रेरित करने जैसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। सनातन धर्म पर राजनीति का जो खेल डीएमके के नेता उदयनिधि स्टालिन ने शुरू किया, वह मामला अब विपक्षी गठबंधन बनाम बीजेपी हो गया है। क्योंकि बीजेपी ने जिस अंदाज में विपक्षी गठबंधन पर ताबड़तोड़ हमले किए, उसके बाद ये मामला बढ़ता दिख रहा है। लेकिन इन सब के बीच ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। इस मामले में उदयनिधि स्टालिन समेत डीएमके के कई दूसरे नेताओं पर एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका पहले ही दायर हो चुकी है। अब सनातन धर्म के मामले पर बयानबाजी के मामले में मद्रास हाईकोर्ट के वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। उदयनिधि स्टालिन और अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर की मांग करने के साथ ही अब सुप्रीम कोर्ट से अपील की गई है कि वह उदयनिधि स्टालिन को आगे कोई टिप्पणी नहीं करने का निर्देश दें। मद्रास हाईकोर्ट के वकीलों ने अपनी याचिका में सनातन धर्म के खिलाफ सभी बैठकों पर रोक लगाने की भी मांग की। याचिका में छात्रों को सनातन धर्म के खिलाफ बोलने के लिए कॉलेजों में बैठकें आयोजित करने के सभी प्रस्तावित योजनाओं पर रोक लगाने की मांग की गई है। हालांकि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, पहले जल्द सुनवाई के लिए ईमेल करें। केंद्र की बीजेपी सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध जताने वाले उदयनिधि स्टालिन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की हिंदी एकजुट करती है वाली टिप्पणी पर भी विवादित बयानबाजी की। उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि ये दावा करना बेतुका है कि केवल 4 से 5 राज्यों में बोली जाने वाली हिंदी समूचे भारतीय संघ को एकजुट करती है। उदयनिधि ने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने हमेशा की तरह ये टिप्पणी करके हिंदी के प्रति अपना प्यार दिखाया कि केवल हिंदी ही लोगों को एकजुट करती है और क्षेत्रीय भाषाओं को सशक्त बनाती है। उदयनिधि ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में कहा कि ये दृष्टिकोण हिंदी के प्रति शोर शराबे का ही एक वैकल्पिक रूप है, यदि इसे सीख लिया जाए तो व्यक्ति का विकास हो सकता है। डीएमके नेता और तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू मलेरिया से की थी। इसके बाद डीएमके सांसद ए राजा ने सनातन धर्म की तुलना एचआईवी से कर दी। दोनों नेताओं के इन बयानों से बीजेपी उन पर पूरी तरह से हमलावर है। चेन्नई के वकील ने अपनी याचिका में कहा कि इस बात की जांच हो कि कहीं इस तरह के लोगों को सीमा पार से आ रही फंडिंग तो नहीं मिल रही है, इन नेताओं के लिट्टे से संबंध की भी जांच हो। तमिलनाडु मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के बयान से देश का सियासी पारा घिरा हुआ है। डीएमके नेताओं की तरफ से इस तरह की बयानबाजी की जा रही है जिससे बीजेपी को डीएमके के साथ साथ विपक्षी अलायंस को भी घेरने का मौका मिल गया। तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि ने एक कार्यक्रम में कहा कि सनातन धर्म सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है। कुछ चीजों का विरोध नहीं किया जा सकता बल्कि उन्हें खत्म करना होता है, जैसे डेंगू मलेरिया या कोरोना का विरोध करना मुमकिन नहीं है लेकिन इसे मिटाया जाता है। ठीक इसी तरह से हमें सनातन को भी मिटाने की जरूरत है। हाल ही में उन्होंने बीजेपी को जहरीला सांप बता दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। कई राज्यों की विधानसभा और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सनातन पर जारी विवाद के बीच बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस के खिलाफ फिर टिप्पणी कर डाली। इस बार उन्होंने मानस की तुलना पोटाशियम साइनाइड से कर डाली और कहा कि जब तक ये रहेगा तब तक विरोध करते रहेंगे। इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर मोर्चा खोला और तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को ही मिटाने की बात कह डाली। श्री रामचरितमानस और सनातन पर की जा रही बयानबाजी विपक्षी गठबंधन की सियासत के लिए संकट खड़ा कर रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मात देने के लिए विपक्षी दल वैचारिक मतभेद बुलाकर एक साथ आए हैं और गठबंधन बनाया। बीजेपी के खिलाफ एक संयुक्त कैंडिडेट उतारने की रणनीति पर काम किया जा रहा है लेकिन इसके उलट
गठबंधन के सहयोगी सपा के स्वामी प्रसाद मौर्य और आरजेडी नेता ने रामचरितमानस को लेकर मोर्चा ही खोल रखा है, तो डीएमके के नेता सनातन धर्म को लेकर बयानबाजी करने में जुटे हुए हैं। इस तरह से देखा जाए तो विपक्षी नेताओं ने बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा थमा दिया, जिसे लेकर बीजेपी नेता ही नहीं पीएम मोदी ने भी आक्रामक रुख अपना लिया है। बीजेपी को लगता है कि मौजूदा हालात में रामचरितमानस और सनातन पर बहस हिंदू धर्म बनाम हिंदुत्व से सनातन बनाम अन्य में बदल रही है, फिर चाहे वे गैर सनातनी हों या नास्तिक। स्वामी प्रसाद मौर्य, चंद्रशेखर अगर अपने यहाँ रामचरितमानस, तो डीएमके अपने मूल द्रविड़ मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए सनातन धर्म पर अपने बयानों को दोहराना जारी रखते हैं, तो तमिलनाडु से बाहर विपक्षी गठबंधन को राजनीतिक नुकसान हो सकता है। विपक्षी गठबंधन के कई सहयोगियों को अपने बचाव में जवाब देने तक का हिसाब नहीं बन रहा। बीजेपी कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों को घेरने में जुट गई है। इसे देखते हुए विपक्षी नेता रक्षात्मक रुख अपनाए हुए हैं। मजबूरी में गठबंधन के समन्वय समिति की बैठक में ये तय किया गया है कि सनातन पर किसी तरह से बयानबाजी नहीं करनी है। इन सब के बाद बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को पोटाशियम साइनाइड बता दिया और उन्होंने ये भी कहा कि जब तक ये रहेगा वो इसका विरोध करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। दक्षिण से उड़ते हुए सियासी विवादों के बादल उत्तर में कांग्रेस के ऊपर ही मंडरा रहे हैं। बिजलियां कड़क रही हैं और राजस्थान से लेकर छत्तीसगढ़ तक कांग्रेस के सियासी मंसूबों को डुबोने के लिए बेकरार हैं। इसकी बानगी पीएम मोदी के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दौरे में देखी चुकी है, जहां उन्होंने पहली बौछार में ही कांग्रेस को पानी पानी कर दिया। कांग्रेस के ऊपर घिरे काले बादल किसी दूसरे ने नहीं बल्कि उनकी सहयोगी डीएमके की कृपा का ही नतीजा है। मामला सिर्फ कांग्रेस का नहीं बल्कि कई दूसरी विपक्षी पार्टियों डीएमके की सियासी बाढ़ में डूब सकती हैं। असल में उत्तर की सियासी फिजा को तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को खत्म करने का ऐलान करके पूरी तरह से बदल दिया। उदयनिधि का सनातन धर्म के खात्मे वाला बयान कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सॉफ्ट हिंदुत्व वाली पॉलिटिक्स के लिए गहरा झटका माना जा रहा है। सॉफ्ट हिंदुत्व का खेल सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, केजरीवाल से लेकर अखिलेश और उद्धव ठाकरे से लेकर नीतीश कुमार तक सब कर रहे हैं। लेकिन सनातन विवाद ने खासतौर से राहुल गांधी के हिंदू बनाम हिंदुत्व वाली सियासत पर वार जैसा है, क्योंकि 5 सालों से वो ये तर्क दे रहे हैं कि हिंदू धर्म हिंदुत्व से पूरी तरह से अलग है। उदयनिधि के बयान को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर बनी हुई है और उसके छोटे बड़े नेता विपक्षी गठबंधन के साथ कांग्रेस को भी कठघरे में खड़ा करने में जुट गए हैं। यही वजह है कि गठबंधन कई घटक दल सनातन वाले बयान को लेकर खुश नहीं हैं और उन्होंने अपने अंदाज में इस बयान की निंदा भी की है और सलाह भी दी है कि किसी को ऐसे बयान देने से बचना चाहिए। गठबंधन की समन्वय समिति की बैठक में भी सनातन पर बयानबाजी पर विराम लगाने का प्रस्ताव भी पास किया गया, लेकिन बीजेपी बैठे बिठाए हाथ लगे मौके को कैसे छोड़ने वाली है, इसके संकेत पीएम मोदी के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दिए गए भाषण से मिल गया। सनातन धर्म को लेकर बयान से उठे सियासी विवाद पर पीएम ने जिस तरह से विपक्षी गठबंधन को कटघरे में खड़ा किया और सनातन को खत्म करने की साजिश तक बता दी, उससे राहुल गांधी के सारे किए धरे पर कहीं पानी न फिर जाए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के बेटे और राज्य सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने इसी महीने की शुरुआत में एक कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में सनातन धर्म की निंदा की थी और इसकी तुलना डेंगू मलेरिया से कर डाली। उन्होंने कहा था कि कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जिनका विरोध करना ही काफी नहीं होता, हमें उनको मिटाना होता है। मलेरिया, डेंगू बुखार, कोरोना वायरस, ये सब ऐसी चीजें हैं जिसका महज विरोध नहीं किया जा सकता, हमें इन्हें मिटाना होगा। सनातन भी ऐसा ही है। उनके इस बयान के बाद देश भर में विरोध शुरू हो गया। बीजेपी समेत कई हिंदूवादी नेता और संगठन उदयनिधि स्टालिन के बयान के खिलाफ मुखर हो गए। दरअसल 2014 के लोकसभा चुनाव में हार के बाद देश की सियासत पूरी तरह से बदल गई। देश में इन दिनों बहुसंख्यक केंद्रित यानी हिंदू सेंट्रिक पॉलिटिक्स हो रही है। कांग्रेस पर हिंदू विरोधी ठप्पा लगा दिया गया है और मुस्लिम परस्त पार्टी की छवि बना दी गई है, जिसे तोड़ने के लिए राहुल गांधी ने 2017 में गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले सॉफ्ट हिंदुत्व का जो सिलसिला शुरू किया वो आज भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। जिस तरह लालू यादव किसी जमाने में गाय का दूध बेचकर अपनी काली कमाई को सफेद किया करते थे, अब वही काम आजम खान भैंस का दूध बेचकर रामपुर में कर रहे हैं। आजम खान और उनके करीबियों के ठिकानों पर पिछले 3 दिन से इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है। पिछले 3 दिन से आयकर विभाग की टीम ने आजम खान के घर और उनके ठिकानों पर डेरा जमाया हुआ है।
आयकर विभाग की टीम आजम खान की आमदनी के स्रोत तलाश रही है। आयकर विभाग की टीम ने आजम खान और उनके करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी करके दस्तावेजों को जब्त कर लिया और बारीकी से जांच पड़ताल की। आजम खान के घर रोजाना 20,000 रुपए वहां से आ रहा था। इसको लेकर भी आयकर विभाग की टीम ने आजम खान से सवाल जवाब किए तो आजम खान ने जवाब दिया कि उनके पास भैंसों की डेयरी है जहां से रोजाना 20,000 रुपए आते हैं, उसी से उनका खर्च चलता है। पूछताछ के दौरान आजम खान भावुक नजर आए। आयकर टीम की कार्रवाई के समय समाजवादी पार्टी को लेकर आजम खान का दर्द भी साफ नजर आ रहा था। इस दौरान आजम खान के बेटे अब्दुल्ला खान भी वहां मौजूद थे। आजम और बेटे अब्दुल्ला ने आयकर अधिकारियों को जेल में गुजरे दिनों के किस्से भी सुनाए। बातचीत के दौरान आजम ने अपनी ही पार्टी पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने बताया कि जितनी मदद मिलनी चाहिए थी उन्हें नहीं मिली। आजम खान ने कहा कि जिन लोगों को मैंने सत्ता में काबिज करवाया वही लोग साथ दे देते तो आज उनकी ये हालत नहीं होती। पिछले 3 दिन से आजम खान और उनके ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई चल रही है। पुलिस आयकर की टीम साथ में जांच पड़ताल कर रही है। जौहर यूनिवर्सिटी में प्राइवेट ट्रस्ट होने के बाद भी यूनिवर्सिटी में सरकारी विभागों का 150 करोड़ रुपए लगाया गया था। अखिलेश यादव की सरकार में जब भी कैबिनेट से कॉलेज या अन्य जनहित में कोई प्रोजेक्ट पास होता था तो उसे दूसरी जगह बनाने के बजाय जौहर यूनिवर्सिटी भेज दिया जाता था। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के संस्थापक और आजीवन अध्यक्ष मोहम्मद आजम खान के घर और उनसे जुड़े ठिकानों पर आयकर छापे के दूसरे दिन एडिशनल डायरेक्टर इनकम टैक्स जांच ध्रुव कुमार भी रामपुर पहुंचे थे। वे आजम खान के घर पर करीब 1 घंटे तक रहे। ध्रुव कुमार ने बाहर निकलने के बाद साफ कहा कि वे अभी कुछ भी नहीं बता सकते। वहीं दूसरी ओर जौहर विश्वविद्यालय और हमसफर रिसोर्ट छावनी में तब्दील रहे। बाहर SSB घेरा रहा, अंदर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं थी। अंदर आयकर अफसरों की टीम छानबीन करती रही। टैक्स चोरी के आरोपों में घिरे आजम खान और उनके जौहर ट्रस्ट से जुड़े लोगों के खिलाफ आयकर विभाग ने बुधवार को कार्रवाई शुरू की जो तीसरे दिन तक जारी रही। पहले दिन टीम ने रामपुर से लेकर विदिशा तक 30 स्थानों पर छापेमारी की थी। एक टीम आजम खान के घर पहुंची थी तो दूसरी टीम सपा विधायक नसीर खान के घर। टीम ने जौहर विश्वविद्यालय पहुंचकर वहां कुछ अभिलेख भी खंगाले। हमसफर रिसोर्ट में भी कार्रवाई की। राधा रोड स्थित आजम खान के बेटे अदीब के टायर शोरूम पर भी जांच की। आजम खान के घर और यूनिवर्सिटी के साथ ही आजम खान के करीबी रहे आर के जैन के यहाँ छानबीन की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।